हेलो सो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? सो मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस गिल्ड में हूँ, मतलब नया गिल्ड ज्वाइन किया जो कि वर्ल्ड रैंक को अचीव करता है गिल्ड फेस्ट में, है ना। तो चलो यार, मैं बस इसके ऊपर ये वीडियो लाया हूँ दिखाने के लिए, दैट मतलब ओवरव्यू कर रहा हूँ गिल्ड फेस्ट का, दैट कि हमारा जो गिल्ड है वो कैसे गिल्ड फेस्ट प्ले कर रहा है। मतलब 2 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है आई थिंक। यस यस, सो दैट देखते हैं किसने कितने कितने पॉइंट्स बनाए हैं, कितने कितने रह गए हैं, है ना। तो देख सकते हो भाई, इतनी जल्दी लेवल 24 कंप्लीट कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ मान लो 3 दिन में, है ना। हाँ जी, तो अब यहाँ पे सबके पॉइंट्स वगैरह देखो। अभी स्कोरिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको मैंने दिखा दिया था दैट की गिफ्ट वगैरह क्या क्या है ना। तो इसको गिफ्ट को साइड आउट, फिर जो रैंकिंग आता है उसमें भी अभी हम नंबर 1 पे चल रहे हैं ना भाई। गिल्ड रैंकिंग जो है इसमें भी नंबर 1 पे चल रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग्स मैं आपको बता दूँ, रिवॉर्ड्स की तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसा किया है मैंने कि 6 बार में मतलब मैंने इतने पॉइंट्स अचीव किए हैं, है ना। और इस टाइम मैंने 352 पॉइंट्स का 8 हेल इवेंट जो कि 16 आवर्स में कंप्लीट करने होते हैं वो लिया था फर्स्ट टाइम। एंड मैंने कंप्लीट भी कर दिया था, कल ही लिया था वो मैंने, है ना। तो उसके बाद देखो यार, अभी सभी के मतलब स्टार्टिंग में देख लेते हैं, मिनिमम हमारे को 2800 पॉइंट्स जनरेट करना है, अदरवाइज तो भाई पता ही है क्या होने वाला है ना। तो कुछ ऐसे प्लेयर है जो अभी पॉइंट्स अचीव नहीं कर पा रहे, बट दो दो बार में देख सकते हैं यहाँ तक 400 300, मतलब एक बंदे ने 382 किया है, बाकी 400 देख लो क्रॉस कर रखा है। अभी देखते हैं सबसे ज़्यादा किसने बनाया। अब 2 बार में देखो इस बंदे ने बना रखे हैं, नहीं सबसे ऊपर 2 बारी में ये रहा 700 पॉइंट्स है सबसे ऊपर, है ना। तो 2 बारी में इसने मतलब यार 150 पॉइंट्स तो इसके छोड़ दो, है ना, फिर भी, है ना। फिर अब सबसे टॉप पे चलते हैं किसने कितने पॉइंट्स बनाया ना, क्योंकि देखो इसी से आपको भी पता चलेगा दैट कि किस प्रकार मतलब इसमें गेम में हम इवेंट वगैरह। और भाई देखो ज़्यादा कुछ जो 8 हेल इवेंट था मेरे को ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं लगा, क्योंकि मैंने सारा मैक्सिमम रिसर्च और ट्रेनिंग ट्रेनिंग से आई थिंक 2 या 3 ही किया था, बाकी सारे रिसर्च से ही किए थे मैंने। तो ईजी था रिसर्च के, मेरे पास बहुत सारे वो थे क्या कहते हैं स्पीड अप्स, तो मेरे लिए आसान हो गया और मैंने ईजिली कम्प्लीट कर लिया था, ठीक है। तो चलो अब आगे तो देखते भाई वर्ल्ड में, मतलब ये इसमें देख सकते हो टॉप पे 3200 पॉइंट्स अचीव कर चुका है 11 राउंड में। एंड एक ने 28 और एक ने 25, वो भी 10 राउंड में, और उसके लास्ट में देख सकते हो 11 में 25, तो ठीक है। अभी 9 में 22 कर रखा है, 9 में 21, तो यार ये देखो भाई 7 में 19 किया इसने, तो भाई सोच ही सकते हो 7 7 6 में 17, 6 18 भाई खतरनाक है। तो इस प्रकार पॉइंट्स अचीव कर रहे थे वो, आप सब भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी मतलब कुछ हार्ड्स वगैरह नहीं आते हैं नॉर्मली, मैं भी 200 200 के राउंड में ही चेकआउट कर रहा हूँ। सो अभी देखते हैं, पर हाँ यार इस गिल्ड में थोड़ा सपोर्टिव है, मैंने अगर जैसे कंटिन्यूसली हेल्प नहीं मिल पाता तो मैं भी नहीं कंप्लीट कर पाता, समझ लो 8 हेल इवेंट। क्योंकि भाई अभी जैसे मैं कुछ रिसर्च लगाऊंगा और 30 हेल्प तो ईजिली विद इन अ मिनट्स मिल जाते हैं, जो कि हमारे को ईजी हो जाता है थोड़ा, समझ गए। तो बस इस गिल्ड में इतना ही था यार, मेरा तो टास्क कंप्लीट ही नहीं हो रहा। मैंने सोचा गैदरिंग करूँगा, बट गैदरिंग ही करना पड़ेगा क्योंकि अदर राउंड में लेता हूँ तो यहाँ स्पेंड करना पड़ेगा मुझे 4000 लकी टोकन्स, और यहाँ तो आपको पता है 150 मिलियन रिसोर्स गैदर करना पड़ेगा, और मिस्ट्री या चेस्ट नहीं हो पाएगा ओपन जहाँ तक मुझे पता है। तो मुझे लगता है गैदरिंग ही करना पड़ेगा। ओके सो मैं गैदरिंग भी करूँगा, नो इशू। अब यहाँ पर 20 का है तो मैंने ऑलरेडी एक अभी लेकर फिनिश कर दिया है। तो चलो यार वीडियो में यहीं तक था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस। सो बाय बाय।